इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहडोल जिले से बड़ी खबर है। शारदा माइंस बकहो में इन दिनों पीएनसी कंपनी राखड़ भरने का काम कर रही है। खुली खदान बकहो में पिछले दिनों राखड़ की गाड़ी से कई घरों के तार टूट गए थे, कई घरों को नुकसान हुआ। खबर लगते ही प्रशासन जागा, अपनी साठगांठ बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। अधिकारियों के चुनिंदा स्टाफ के सहयोग से मैनेजमेंट बना लिया। आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ट्रक संचालक एवं राखड़ कंपनी के ऊपर सूत्रों के अनुसार राजू सिंह राखड़ कंपनी पीएनसी को संचालित कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि रात्रि में पीएनसी कंपनी राखड़ की गाड़ियां प्रशासन की साठगांठ से ओवरलोड ट्रक पूरी रात संचालित करती है, जिससे रोड की धज्जियां उड़ते दिख रही हैं। प्रशासन हवाला देती है कि ओवरलोड न लिया जाए ताकि रोड क्षतिग्रस्त न हो, वाहन दुर्घटना न हो। फिर भी पीएनसी शारदा माइंस में बकहो ओवरलोड ट्रक राखड़ ले जाते हैं। ओवरलोड से ज्यादा राखड़ भरकर ये ओवरलोड करते हैं। प्रशासन के नियम कानून क्या गरीबों के लिए ही हैं? नियम कानून ठेकेदार के ऊपर क्यों मेहरबान हैं? प्रशासन उन्हें खुली छूट दे रखी है। राखड़ की गाड़ियां आने जाने वालों को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। राखड़ कंपनी गांव वालों भी राखड़ से कई बार स्थानीय लोगों ने विरोध किया। राखड़ न भरा जाए, फिर भी अधिकारियों के कमीशन खोरी के चक्कर में स्थानीय जगह को राखड़ में तब्दील किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या आप किस प्रकार की यहाँ पर दुर्घटना हुई, बताएं उसके बारे में। क्या हुआ, एसीसीएल में राखड़ डंपिंग होता है और राखड़ डंपिंग के दौरान जो बैरियर के पास मतलब माल ना ले जाए उसके लिए डंपिंग उठा के चेक किया जी जी, और डंपिंग उठा चेक करें तो अभी गाड़ी वाले ने क्या किया, डंपिंग उठा के आया और डंपिंग उठा के आया सीधे यहाँ तोड़ दिया और लड़के लोग आवाज़ किए तो उसके बाद भी नहीं रुका। अच्छा, क्या तोड़ दिया? ये सब पूरे एमपीवी के तार। अच्छा, बिजली विभाग का तार था, लोग वायर शॉर्ट, पूरा घर का कनेक्शन सभी टूट गया। कितने घरों का कनेक्शन लगभग टूट गया? इसमें 5 से 6 घरों का, तब से घरों का कनेक्शन टूट गया। और अभी टीवी अभी क्या क्या उड़ा हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं है। उसके बाद सामानों का नुकसान हुआ होगा, वो सब बैलेंस बचा हुआ है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारे अब अपनी सामने बिल्डिंग की दुकान है, मैं यहाँ काम करता हूँ। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा भी चेक करना पड़ेगा सर, उसके बाद पता चलेगा क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। नाम है आपका और क्या यहाँ पर दुर्घटना हुई, बताएं उसके बारे में। मेरा नाम संजय बर्मन है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बैरियर से ये गाड़ी लेके आया राखड़ खाली करके और डंपर उठा के चल रहा था। मैंने इसको आवाज़ दिया कि डंपर नीचे कर ले, उस ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और उसने मेरे को गाली दिया, बोला डंपर नहीं गिराऊंगा और तेजी से लेके आया। सबका घर को तार तोड़ा हुआ है और मेन लाइन तार तोड़ दिया गया है, सबका फ्रिज टीवी सब उड़ा हुआ है, उसका हर्जाना हमको चाहिए। किसी का जनहानि तो नहीं हुआ? नहीं, जनहानि किसी का नहीं हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है वो हमारा भरपाई कर दिया गया। और किसके द्वारा ये, किसकी लापरवाही से किया गया? ये जिसकी राखड़ गाड़ी चल रही है उसकी लापरवाही है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।